हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपके अपनी इंग्लिश एडुकेटर कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूं मस्त हूं तो इतनी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ले, वीडियो लेक्चर और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक का न्यू चैप्टर विच इज द एलिंग द्लैनिट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकी वाला सो so, ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली कोई स्टोरी नहीं है कोई कहानी नहीं है ये एक आर्टिकल लिखा गया है बाय मिस्टर नानी पालकी वाला और कब लिखा है उन्होंने ये आर्टिकल 1994 में लिखा है इस पूरे आर्टिकल में नानी यानी कि मिस्टर नानी पालकी वाला ये बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसकी हालत बहुत एलिंग है एलिंग है का मतलब क्या होता है कि बहुत उसकी जो हेल्थ है वो खराब है अब उसकी हेल्थ खराब क्यों है क्यों उसकी हालत इतनी खराब है कि 1994 में नानी पालकी वाला ने बोल दिया था कि ग्रीन मूवमेंट का रोल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था और ये बताया था कि हमारी अर्थ की हालत अब बहुत ख़राब हो रही है ये चैप्टर का ओवरव्यू देने से पहले हम सबसे पहले मिस्टर नानी पालकी वाला के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन थे एंड उसके बाद हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे Nani 16 1920 11 2002. वो थे, यानी कि का मतलब होता है जो लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं और लॉ इकोनॉमिक्स इन सबसे रिलेटेड काफी ज़्यादा लिखते हैं तो इन्होंने ही ये 1994 का लिखा था Ailing planet के ऊपर और ये कौन से प्लैनेट की, की बात हो रही है ऑब्वियसली हमारे प्लान अर्थ की बात हो रही है यहां पे। अब चैप्टर में क्या है चैप्टर में मिस्टर नानी पालकी वाला ये बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसकी हालत जो है उसकी जो कंडीशन है बहुत है यानी उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है हम ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स ने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट कर लिया है हमारी अर्थ को और एक्सप्लॉयट करने का मतलब है कि जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें अर्थ से मिलते हैं उसका ओवर यूज़ कर लिया है इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि अब वो ख़त्म होने पर आ चुके हैं तो नानी पालकी वाला एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है जो 1987 में स्टार्ट हुआ था और इसमें कहा गया था टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मतलब हमारे जो फ्यूचर प्रेजेंट जनरेशन की जो अभी की यानी 1994 की जो प्रेजेंट जनरेशन थी उसकी नीड्स उसकी ज़रूरतें पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे यानी उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो नानी कहते हैं कि हमें नीड्स पे फोकस करनी चाहिए ना कि वांट्स पे जितनी चीज़ की हमें नीड है यानी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही यूज़ करनी चाहिए ना कि वांट वांट क्या है यानी कि हमें जो चाहिए हमें तो हर कुछ चाहिए ये भी दे दो वो भी दे दो सब दे दो लेकिन अगर हम वांट्स पे फोकस करेंगे तो हमें हम ये भूल जाएंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो लोग कैसे अपनी जरूरतों को अपनी नीड्स को पूरा करेंगे तो मिस्टर नानी पालकी वाला कहते हैं दैट वी शुड फोकस ऑन नीड्स रादर दैन ऑन Wants. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है और ये कहा है कि हमारे बायोलॉजिकल में चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या चीज़ें हैं वो क्या फैक्टर्स हैं पहली हैं फॉरेस्ट दूसरी हैं क्रॉपलैंड तीसरी हैं आपके आ, द, फिशरीज एंड फोर्थ है ग्रास तो जो फिशरीज है यानी जो पूरा जो फिशज हैं उसके लिए नानी पालकी वाला कहते हैं कि जो ये आजकल की जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस हो गई है यानी सबको प्रोटीन खाना है सबको हेल्दी खाना है तो लोग क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश कंज्यूम कर रहे हैं जिस वजह से फिशेस की जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन पर आ गई हैं और उनका नंबर जो है वो कम हो गया है फॉरेस्ट फॉरेस्ट को लोग क्या कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं यानी पेड़ काटते जा रहे हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स अपना बड़ा बड़ा बिजनेस सब स्टार्ट कर रहे हैं और अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारा फॉरेस्ट क्लियर करके अभी उस दिन की बात है मेरी एक फ्रेंड थी वो कह रही थी कि मैम मैं तो गई थी मसूरी घूमने वो बहुत अच्छी जगह थी कितनी अच्छी प्लेस थी वहाँ पर इतना अच्छा वेजिटेशन है पेड़ पौधे हैं सब हैं तो मैंने अपने दिल में सोचा अपने मैंने अपने मन में सोचा कि ये कितनी अजीब बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं एट प्रेजेंट जिन सिटीज़ में रह रहे हैं वहां पे हम लोग पूरे फॉरेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं और फिर जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहीं पे ये सेम पेड़ पौधे देख के कहते हैं कि वो जगह कितनी अच्छी थी ये जगह भी तो अच्छी थी लेकिन इसको किसने क्लियर किया यहाँ की ब्यूटी किसने ख़त्म करी हम ह्यूमन्स ने ही ख़त्म करी तो हम इससे नानी पालकी वाला कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट क्रॉप लैंड यानी वो लैंड जिसपे क्रॉप सुखते हैं यानी यानी जिस पे खेती होती है उन लैंड्स लैंड्स को भी खराब कर कर दिया दिया उनको में कन्वर्ट कि कर, कर तो, तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्यों है हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के हमारे एनवायरमेंट के क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो इन चारों बायोलॉजिकल फैक्टर्स से ही हमें उन्हें मिलता है तो वो कह रहे हैं कि जो तो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जितनी चीज़ की ज़रूरत है उसी को इस्तेमाल करें ज्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल ना करें फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो मिस्टर नानी पालकी वाला ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है वो है ग्रीन मूवमेंट ग्रीन मूवमेंट के बारे में हमें बताया ग्रीन मूवमेंट वो कॉन्सेप्ट है जो न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया था 1972 में ये जो मूवमेंट है ये क्या बताता है ये बताता है ये इनिशिएट करता है और इनकरेज करता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ पर्यावरण को हेल्दी रखो इन्वायरमेंट को अच्छा रखो साफ सुथरा रखो और हम इंसान इंसानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी अर्थ को साफ रखें क्यों क्योंकि हम ये मान के चलें कि हम इस धरती पर एक किराएदार की तरह हमें कुछ दिन यहाँ इतना टाइम हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमें यहाँ के रिसोर्सेज को जितनी जरूरत है उतना ही यूज़ करना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वापस से इस पूरी अर्थ को रिपेयर करके अच्छे से रख के उनके लिए छोड़ के जाना है ताकि वो एक साफ सुथरे और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें और ये ना सोचे कि हमारे जो पूर्वज थे हमारे जो एनसेस्टर्स थे उन्होंने अर्थ को बर्बाद करके फिर हमारे हाथ में दिया है तो इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं ऑल्सो मिस्टर नानी पालकी वाला कहते हैं जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है 1994 में इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से रिसोर्सिस की खपत ज़्यादा हो रही है जो इलिटरेट लोग हैं जिनको फैमिली प्लानिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है वो क्या करते हैं वो बेबीज़ पैदा करते जाते हैं और उससे क्या होता है उन्हें लगता है कि जितने बच्चे फैमिली में होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले हैंड्स हमारी फैमिली में होंगे लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पावर्टी भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे हमारी सोसाइटी का जो गरीब हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उससे ये तो नहीं होगा कि भाई उनका डेवलपमेंट होगा वो उनको खिला ही नहीं पाएंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो इन इलिटरेट बच्चे रह जाएंगे और उनके पास कुछ भी आगे कमाने के लिए नहीं रहेगा और रिसोर्सेज़ की खपत तो हो ही रही है क्योंकि जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कंजम्पन भी तो बढ़ रहा है उतनी खपत भी तो बढ़ रही है हमारे रिसोर्स की तो यूनानी पालकी वाला कहते हैं कि अब बिल्कुल सही टाइम आ गया है जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पर और वो कहते हैं कि हम लोग हम जो दुनिया वाले हैं हम जो ह्यूमन बींगस हैं, ये इस अर्थ पे अकेले नहीं रह रहे हैं हम लोग 1.4 बिलियन अदर स्पीशीज के साथ रह रहे हैं स्पीशीज यानी हर जीव जंतु के अलग अलग प्रजातियों के साथ रह रहे हैं तो ये हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ ये शेयर करें ना कि उनकी भी जो इन्वायरमेंट उनकी जो हैबिटेट है उनको डिस्टर्ब करते चले फॉर एग्जाम्पल फिशेस खाते जा रहे तो हम पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं पानी को पल्यूट कर रहे हैं तो हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से सेल्फिश नहीं बनना है हमें शेयर करना है इन सब स्पीशीज़ के साथ अपने अपनी प्लानट अर्थ को और इसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एलिंग कंडीशन में यानी कि एक अनहेल्दी कंडीशन में नहीं छोड़ना है बल्कि एक बहुत अच्छी साफ सुथरी हेल्दी कंडीशन में छोड़ना है सो so, देखते हैं अब इस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में क्या है एंड एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर के बाद दिस चैप्टर फोकसेज ऑन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ इस चैप्टर में क्या बताए गए हैं वो फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि डिक्लाइन कर रही हैं यानी कि घटा रही है अर्थ की हेल्थ को यानी वो सारी चीजें जो हमारी धरती की कंडीशन को खराब कर रही है और उसे एक अनहेल्दी प्लानट बना रही है The chapter was originally an article written by Nani Palkiwala which was published in the newspaper The Indian Express on November 23, 1994. तो so, ये जो chapter है ये एक आर्टिकल है जो कि इन द इंडियन एक्सप्रेस नाम के न्यूज पेपर में ट्वेंटी थर्ड नवंबर नाइनटीन को पब्लिश किया गया था The writer discusses the green movement how a zoo in Zambia declared human beings as world's most dangerous animals. Isme Mr Nani Palkiwala ek zoo ke bare mein bhi mention karte hain jo ki hai aapka जाम्बिया uh, नाम की एक प्लेस में जब वो साहब जू में जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल और वो बोर्ड के नीचे केज है यानी कि एक पिंजरा है जिसके अंदर एक मिरर रखा हुआ है अंदर कोई जानवर नहीं है अंदर कोई एनिमल नहीं बंद करके रखा है बल्कि एक मिरर है और जब आप जाते हो देखते हो तो आपको किसकी रिफ्लेक्शन दिखती है वहाँ पर खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है तो ज़ू के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर जानवर या नहीं है यानी एनिमल नहीं है हम इंसान हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं क्योंकि हम इनसे भी ज़्यादा ख़राब हैं इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है एनिमल से भी ज़्यादा क्यों क्योंकि हमने इस अर्थ की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दिए एक एनिमल आपको ज़बरदस्ती परेशान नहीं करेगा लेकिन जो इंसान होता है वो ज़बरदस्ती एनिमल को परेशान करते हैं उनकी लिविंग हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करते हैं फॉरेस्ट क्लियर करते हैं क्योंकि फ़ॉरेस्ट में क्या होता है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जंगली जानवर रहते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं तो हम क्या करें फ़ॉरेस्ट क्लियर करके उनका घर को तबाह कर रहे हैं तो सबसे डेंजरस एनिमल कौन हुआ वो 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 बींग एनिमल्स सबसे डेंजरस नहीं है हम बींग ह्यूमन बींग्स सबसे डेंजरस एनिमल्स कहलाए तो जू में ये सब लिखा गया है The writer also focuses on overpopulation, deforestation, and what should be our responsibility towards the environment. So writer यहाँ पे overpopulation की uh, समस्या पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं, deforestation यानी कि पेड़ काटते जा रहे हैं, उसपे हम वो बहुत, बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं। और हमारी as a human being क्या responsibility है कि हम धरती की condition को सही रखें और environment के लिए, पर्यावरण के लिए हमारी क्या roles हैं, क्या responsibilities हैं, उन सब चीजों पे chapter में focus किया गया है। स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन के एक्सप्लेनेशन से वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच 25 ट्वेंटी अगो। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग है जो मिस्टर नानी पालकी वाला है वो किससे कर रहे हैं ग्रीन मूवमेंट नाम के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करके कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ग्रीन मूवमेंट आज से 25 फाइव ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था यानी कि 1994 में ये लिखा गया था ये आर्टिकल तो उन्होंने बोला कि 1994 से 25 साल पहले ये ग्रीन मूवमेंट नाम का इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट और कब हुआ था नाइनटीन में और कहाँ पर हुआ था ये न्यूजीलैंड में

1994 की बात हो रही है तब तक इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है ग्रीन मूवमेंट में और पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली को और इंक्रीज करने के लिए पेड़ पौधे लगाने में बहुत फोकस किया तो तब से लोगों ने पीछे नहीं देखा इसमें हमेशा आगे ही आगे आए हैं और इनिशिएट किया और लोग ऐड होते गए हैं और वो ये भी बता रहे हैं ग्रिफ्ट का मतलब क्या होता है ग्रिफ्ट मतलब क्लच करना या किसी चीज़ को पकड़ के रखना तो ये बोल रहे हैं कि पूरी ह्यूमन रेस यानी पूरी जो पूरे जितने लोग थे उन लोगों ने रैपिडली इस ग्रीन मूवमेंट में आ, को होल्ड करके रखा है और इस ग्रीन मूवमेंट को क्लच करके रखा है यानी कि पकड़ के रखा है पीछे नहीं देख रहे कि चलो छोड़ें या इस, इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे नहीं उन्होंने इसको पकड़ के रखा है और आज तक इसको पकड़ के लाते आ रहे हैं और ग्रीन मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं We have shifted one hopes irrevocably from the mechanist's view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in the human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. तो सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं इर रिवर्केबली मतलब इन अ वे दैट के नॉट बी चेंज और रिवर्स तो इिवर्केबली का मतलब होता है वो चीज़ें जो रिवर्स नहीं करी जा सकती यानी जो आगे बढ़ गई तो बढ़ गई उसको दोबारा पीछे उस पोजिशन पर नहीं ला सकते हॉलस्टिक इकोलॉजिकल व्यू को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी फिर भी एक बार यहाँ रीड कर लेते हैं इट मीन्स अ व्यू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इवायरमेंट इट ऑल्सो रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन तो यहाँ पे नानी पालकी वाला कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं कहाँ से शिफ्ट हुए हैं मैकेनिस्टिक व्यू से एक हॉलिस्टिक व्यू यानी कि हम ह्यूमन बींग्स का जो व्यू है जो थाट्स हैं वो पहले मैकेनिस्ट व्यू था यानी कि पहले हम अर्थ को क्या समझते थे एक मशीन समझते थे और उसको एक मशीन की तरह सामान उसके यूज़ करे जा रहे हैं रिसोर्सेज यूज़ करे जा रहे हैं करे जा रहे करे जा रहे हैं उसकी रिपेयर नहीं कर रहे हैं एक मशीन को भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टाइमली रिपेयरिंग की और सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है लेकिन हमने तो इत, उस मशीन की तरह अर्थ को देखा कि उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही बस हम उसके रिसोर्सेज कंटिन्यूसली ओवर यूज़ करे जा रहे हैं तो यहाँ पर मिस्टर नानी पालकी वाला कहते हैं कि अब ये जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स के जो व्यूज है, है वो शिफ्ट हुए हैं एक मैकेनिस्ट व्यू से एक हॉलिस्टिक व्यू पर होलिस्टिक व्यू का मतलब ये होता है कि ये जो एक पूरी अर्थ है ये जो एक पूरा प्लानिट अर्थ है इसको हर डायरेक्शन से देखना यानी हर एस्पेक्ट से देखना ऐसा नहीं है कि अर्थ के किसी एक कंपोनेंट को हमने पकड़ लिया और इसी को ठीक करने में इसी को रिपेयर करने में चले हुए नहीं वो कह रहे हैं कि अब अर्थ को होलिस्टिक व्यू दे रहे हैं यानी कि हर डायरेक्शन से ओवरऑल पूरे हर एस्पेक्ट्स उसको देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उसकी क्या नीड है वो हम उसकी पूरी कर रहे हैं और इसको एक लिविंग बींग की तरह एक मशीन नहीं अब इसको एक लिविंग बिंग की तरह हम ट्रीट करें कि एक इंसान की जो भी जरूरतें होती हैं टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होती है टाइम टू टाइम, टाइम, टाइम फुल बॉडी चेकअप होता है जैसे इंसानों का वैसे इसको टाइम टू टाइम जो भी अर्थ की नीड्स है उसको पूरा किया जा रहा है तो मिस्टर नानी पालकी वाला कह रहे हैं कि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं अब यानी एक मैकेनिस्ट व्यू से एक हॉलिस्टिक व्यू पे अच्छे पर शिफ्ट हुए हैं और अब वो होप कर रहे हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो शिफ्ट है ये इिवोकेबल है यानी कि अब ये वापस नहीं आएगा यानी कि अब हम जिस होलिस्टिक व्यू जिस अच्छे व्यू पर हैं अब दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे और दोबारा अर्थ को एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और ये 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 जो ये जो जो है 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 चेंज चेंज हुआ हुआ शिफ्ट रेवोल्यूशनरी यानी एक कंप्लीटली आया लोगों के व्यूज में लोगों के परस्पेक्टिव में एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कॉपर निकस अब सिक्सटीन सेंचुरी में एक कॉपर निकस करके पर्सन थे उन्होंने बताया था कि जो सन है उसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं जैसे कि हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा है साइंस में उन्होंने ही ये चीज़ बताई थी वरना पहले लोग कुछ और सोचते थे कि शायद प्लानट है उसके आसपास सन घूमता है लोगों के कुछ गलत परसेप्शन थे लेकिन सिक्सटीन सेंचुरी में कॉपर निकस नाम के पर्सन ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी बताया था कि सन है और उसके बाद सारे जो प्लानट्स हैं एक ऑर्बिट में एक रास्ते में एक पाथ में उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं तभी लोगों में चेंज आया तभी लोगों में समझ आई तो उसी उसी चीज़ को कंपेयर किया यहाँ पे मिस्टर नानी ने किसको कि जो, जो जो ये जो व्यू चेंज हुआ है मैकेनिस्ट व्यू से जो हॉलिस्टिक व्यू है इसको कंपेयर किया है कि इसी तरीके से अब इस इस चेंज के बाद लोगों के व्यूज़ में भी चेंज आए हैं For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is living organism, and enormous being of which we are parts. तो so, enormous मतलब large, कोई बहुत बड़ी चीज. तो यहाँ पे पहली बार human history में, yani यानी 1994 की बात हो रही है कि लोगों में एक change आया, एक बदलाव आया और बदलाव ये है कि लोग ये समझने लगे कि Earth itself is a लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसे हर वो नीड्स को उसकी पूरी कर रहे हैं जो एक इंसान की होती है और वो ये भी बता रहे हैं कि वी आर द इनॉर्मस बींग ऑफ इच वी आर पार्ट्स यानी कि अर्थ एक बहुत इनॉर्मस बींग है एक बहुत बड़ा ह्यूज इंसान है जिसके छोटे छोटे पार्ट्स हम सब ह्यूमन बींग्स हैं इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व मेटाबॉलिक नीड्स यानी कि नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉजेज फूड टू बी यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी वाइटल यानि इंपॉर्टेंट प्रिजर्व यानि किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना तो यहाँ पर यह बता रहे हैं मिस्टर नानी पालकी वाला कि जैसे एक इंसान को शक्ति चाहिए और वो शक्ति कहाँ से मिलती है खाना खा के मिलती है कि हमने खाना खाया फिर हमें काम करने की शक्ति मिलती है एनर्जी मिलती है उसी तरह अर्थ के साथ भी यही है उससे भी खाना चाहिए उसे भी आप उसको उसकी हेल्थ पे ध्यान दो पेड़ पौधे के मत काटो उसकी फ़िशरीज जो हैं उसकी क्रॉप लैंड जो हैं उसकी ग्रास लैंड जो हैं इन सब को डिस्टर्ब ना करो तो ये उसकी अपने और पल्यूशन नहीं करो गंदगी मत करो अर्थ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये सब अर्थ का खाना है और इसी से उसको ताकत मिलती है और इसी से इसकी ब्यूटी बढ़ती है इसी से अर्थ हमारी ग्रो होती है फ्लिश होती है तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे एक इंसान की जो नीड्स होती हैं वो अर्थ की भी नीड है और जो उसके वाइटल प्रोसेस हैं यानी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसमें होने जो भी केमिकल प्रोसेस अर्थ में चलते हैं फोटोसिंथसिस हो गया ये हो गया वो हो गया सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सबको चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें और प्रिजर्व करें यानी कि उसकी उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं प्रोटेक्ट करके रखें उसमें साफ़ सफ़ाई बनाए रखें द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ अब मिस्टर नानी पालकी वाला नाइनटीन नाइनटी फोर में ये बता बताते हैं कि जो अर्थ है वो जो सिग्नल्स हमें दे रही है कुछ साइन हमें दे रही है अर्थ को देख के हमें कुछ जो चीज़ों को पता चलता है उसे देख के ये पता चलता है कि एक पेशेंट की डिक्लाइनिंग हेल्थ है यानी कि अर्थ एक पेशेंट है एक मरीज़ बन चुकी है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है यानी दिन पर दिन घटती जा रही है और ख़राब होती जा रही है

वो बहुत एक मरीज की तरह हो गई और ख़राब होती जा रही है ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स के कुछ एथिकल ऑब्लीगेशन हैं यानी कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ एथिक्स रिलेटेड कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें अर्थ के लिए अब दिखानी हमने स्टार्ट कर दिए वी हैव बिगन यानी कि हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं एक अच्छे स्टीवर्ड्स की तरह यानी एक अच्छे मैनेजर्स की तरह हमारी अर्थ को मैनेज कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज यानी अच्छे मालिक हम इस अर्थ में रह रहे हैं तो हम जिस जगह रह रहे हैं अभी तो एट प्रेजेंट हम उस जगह के ट्रस्टी हैं मालिक है तो एक अच्छे ट्रस्टी की तरह उसकी लेगेसी को हमें मेंटेन करना है फ्यूचर जनरेशन की लेगेसी यानी कि जो ये अच्छा अच्छा हमने अर्थ को बना रहे हैं इसकी हेल्थ को मेटेन करके रखे है इसमें हमारे पर्यावरण को जो हमने साफ सुथरा रखा है वो हमें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रखना है और वैसा ही रखना है तो हमें एक अच्छा स्टूव की तरह एक्ट करना है यानी एक अच्छे मैनेजर की तरह एक्ट करना है

स्टार्ट किया था तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका मीनिंग है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमें हमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमारे हमारी इन्वायरमेंट का डेवलप करना है उसकी हेल्थ को बढ़ाए रखना है हमारे को पेड़ पौधे नहीं काटने हमें पल्यूशन नहीं करना हमें पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना हमें जीव जंतुओं की हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना हमें फिशरीज को ओवर यूज नहीं करना या किसी भी अर्थ के नेचुरल यानी कुछ हमारा हम सब ने साइंस में पढ़ा था कि कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कुछ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रेन्यूएबल होते हैं यानी कि वो हमें नेचुरली मिल नहीं मिलते और उसको हम थोड़ा री वगैरह कर सकते हैं और जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और उनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जैसे सॉयल हो गई पेट्रोल हो गया ये सब चीज़ें तो वो ये कह रहे हैं कि इन सब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें ध्यान देना है कि जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिप्लीशन ना हो यानी घटे ना कम ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा ना हो कि बचे ही ना हमने सब खा पी के यहीं खत्म कर दिया तो इसी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था 1987 में इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड तो जब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी अपनी उसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या डिफाइन किया द यहां से स्टार्ट है इसकी डेफिनेशन डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देर नीड्स दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड स्ट्रिपिंग यानी क्लियर करना एम टी करना हटाना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी नीड्स हैं हमारी उसको पूरा कर रहे हैं बिना हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यानी उनकी नीड्स को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते जिस चीज़ की आज हमें ज़रूरत है उन्हीं एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ों की कल हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ज़रूरत होगी तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करें कि हम स्ट्रिप कर दें जो भी सारे जो हमारी नीड्स हैं उसको हम क्लियर कर दें यानी ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें रिमूव कर दें हमारे अर्थ में से और फिर कुछ भी ना बचे Hamari Future Generations clear. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, The World's Most Dangerous Animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you can see yourself. Thanks to the efforts of the member, number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Toh, लोसाका जाम्बिया में एक जू है जहाँ पर क्या है एक बड़ा सा केज है एक बड़ा सा पंजरा रखा हुआ है जिसमें अंदर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर है और मिरर के ऊपर वहां लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल तो जब हम देखते तो वहाँ देखते हैं तो वहां पे हमें कोई एनिमल नहीं दिखता हमें उस मिरर में हमारी रिफ्लेक्शन यानी हमें हम खुद को देख सकते हैं उसमें तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान सबसे बड़े जानवर हैं इंसान जानवरों से भी ज़्यादा गए बीते हैं क्यों क्योंकि हमने उनकी स्पीशीज़ जो है उनको डिस्टर्ब किया है उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ को डिस्टर्ब किया है ऑल्सो हमने उनके रहने की जगह को ख़त्म किया यानी हमने फॉरेस्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं पेड़ पौधे काटते गए जहाँ पर वो लोग रहते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ़ एजेंसीज बहुत सारी एजेंसीज बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये थैंक कर रहे हैं मिस्टर नानी पालकी वाला इस आ, आर्टिकल में कि अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग एजेंसीज हैं ये क्या कर रही हैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों को जागरूक कर रही हैं किस बारे में कि ये जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कि हम लोग के क्या रोल्स हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं और dawned upon यानी कि बिगिन यानी इन लोगों ने शुरू कर दिया है दर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द वर्ल्ड के ऊपर काम करना हम ह्यूमन बिंग्स पे इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें ये अवेयर कर रही है कि हमें कैसे हमारी इनवायरमेंट को हमारे पर्यावरण को बचा के रखना है सिर्फ हमारे लिए नहीं हम बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हैज the द of ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम system बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि हम हम लोगों ने जो जो ये एजेंसीज हैं इन लोगों ने हमें क्या सिखाया है कि हम शिफ्ट हो गए हैं एक ऐसे सिस्टम से जो डोमिनेशन पे बेस्ड नहीं है बल्कि पार्टनरशिप पे बेस्ड है अब डोमिनेशन क्या होता है डोमिनेशन यानी कि एक जो सबसे सुपीरियर हेड होता है और उसके नीचे सारे लोग आते हैं और वो उसको डोमिनेट करता है यानी कि उनको दबाने की कोशिश करता है तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे अर्थ को डोमिनेट कर रहे थे यानी कि उसके उसकी उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी नीड्स को नहीं समझ रहे थे बल्कि क्या कर रहे थे? उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे बस उसके हम ओवर यूज़ रहे, रहे थे, अंधा धुंधली यूज कर रहे थे लेकिन अब हम लोग क्या हो गए हैं? इस डोमिनेशन से शिफ्ट हो गए हैं यानी हमारे व्यूज शिफ्ट हो गए हैं और डोमिनेशन से हम किस पे आ गए हैं पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप यानी कि साथ मिलके काम करना जो भी सारे लॉसेस हैं जो भी सारे गेंस हैं सब साथ मिलके इक्वली शेयर करना तो आप ह्यूमन बींग्स अर्थ के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं यानी कि अगर अर्थ से वो नेचुरल रिसोर्सेज लेते हैं तो इन रिटर्न उसको उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं उसको ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे अगर एक जगह हम चार पेड़ का हैं तो दूसरी जगह हमें बारह पेड़ लगाने भी हैं इस तरीके से एक पार्टनरशिप का एक मेल जोल वाला बन एक रिलेशनशिप बन गया है तो ये लोगों के माइंड में अब शिफ्ट आ गया है यानी उनके व्यूज़ में अब शिफ्ट आ गया है

1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज के साथ इस वर्ल्ड को इस दुनिया को शेयर करना है यानी कि हमारे अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ यानी अलग अलग जीव जंतु की प्रजातियां इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती है और हमें अकेले नहीं बल्कि उन सब स्पीशीज के साथ हमारी हमारी अर्थ को शेयर करना है ऑल्सो उन्होंने क्या बताया है कि कैटलॉग की हुई है उन्होंने यानी इन इस पूरी वन मिलियन स्पीशीज की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है ये तो उन्हें पता है लेकिन और भी उन्होंने एस्टिमेट्स बताए हैं कि कुछ स्टिल अनकैटेलॉग लिविंग स्पीशीज़ यानी और भी कुछ लिविंग स्पीशीज़ हैं जो अबाउट थ्री से लेके हंड्रेड मिलियन तक हैं उनकी भी लिस्ट बनी हुई है लेकिन वो अभी गुमनामी के अंधेरों में है यानी कि वो लैंग्वेज कर रहे हैं यानी कि वो अभी वाइटालिटी या पर्सन की अभी उनका, उनके बारे में पता नहीं चला है कि ये जो अभी है ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन अभी हम लोगों के सामने नहीं आए कि ये कहाँ है वर्ल्ड के किस पार्ट में ये लोग हैं तो हमें 1.4 मिलियन स्पीशीज के साथ तो एग्जिस्ट करना ही है साथ ही साथ ये जो नहीं मिले हैं स्पीशीज उनके साथ भी हमें शेयर करना है अकेले नहीं करना है और ये लोग लैंग्वेज कर रहे हैं लैंग्वेज का मतलब ये है कि लूज और लैक ऑफ वाइटलिटी ऑफ अ पर्सन और अ प्लांट एनिमल ग्रो वीक यानी ये गुमनामी के अंदर में है पता नहीं अभी ये कहाँ है और इग्नोमीनस यानी वन हैज नॉलेज अबाउट देम किसी के इनके बारे में भी नॉलेज नहीं है कि कहा है सो so, अकेले नहीं शेयर करना है अकेले नहीं सब खा पी के खत्म करना है बल्कि सारी स्पीशीज के साथ फ्यूचर जनरेशन के साथ सबके साथ हमें शेयर करना है और सबको एक हेल्दी प्लान देना है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी और हमारी सबकी मिलकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पार्टनरशिप में काम करना है अर्थ के साथ ताकि अर्थ की हालत हम अच्छी बना के रखें ना कि बुरी कर दें वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर आलिया विद द क्वेश्चन ऑफ एकोलॉजी एंड एनवाइट वॉज द ब्रांड कमीशन विच आर अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेम्बर्स मिस्टर एल के झा तो वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी एजेंसीज काम कर ही रही थी ह्यूमन बींग्स को अवेयर करने के लिए उन्हीं में से एक इंटर आलिया यानी अमंग द अदर्स वो बहुत सारी एजेंसी में से एक और एजेंसी थी जिसका नाम क्या था ब्रांड कमीशन जिसका नाम क्या था ब्रांड कमीशन ये एक इंटरनेशनल कमीशन थी जो किस पे काम कर रही थी ह्यूमन बींग्स को अवेयर करने पे काम कर रही थी और इसमें ये एक इंटरनेशनल थी एक एजेंसी थी और इसमें एक इंडियन मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर एल के झा तो द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन जब ये ब्रांड रिपोर्ट कमीशन की पहली रिपोर्ट आई इन्वायरमेंट के बारे में और ह्यूमन्स के बारे में तो उसमें एक क्वेश्चन था उस रिपोर्ट में वो क्या क्वेश्चन था आर वी टू लीव आर सक्सेस a scorched planet ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स impoverished landscapes लैंडस्केप्स एंड environment एनवामेंट तो यहाँ पे स्कॉर्च का मतलब क्या है बर्न द सरफेस विदाउट हीट और फायर एक सरफेस जो जला हुआ है हीट है उसमें फायर की वजह से पूरा खराब हो चुका है और उस पर कोई वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे ग्रीनरी हरियाली नहीं है एलिंग यानी कि पुअर हेल्थ इन पुअर हेल्थ यानी कि जो बहुत ही हेल्थ जिसकी खराब है एम्पावरिस्ड मैंने कि मेड पुअर उसको पुअर बना दिया यानी बिल्कुल आपने खराब बना दिया तो उस फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट की रिपोर्ट में जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि हमारे अर्थ को हमारे सक्सेसर्स यानी आने वाली फ्यूचर जनरेशन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक स्कॉर्च प्लानिट छोड़ेंगे यानी कि ऐसा प्लानट जिसकी ज़मीन बिल्कुल बंजर है ख़राब हो चुकी है जिस जिसपे कोई वेजिटेशन नहीं है और एडवांसिंग डेजर्ट्स यानी कि हमने पेड़ पौधों को डेजर्ट्स में रेगे में कर कन्वर्ट कर लिया है और उसको हमने उसकी हमने उसका ध्यान ही नहीं रखा तो हमने आपके लिए भी एक खराब चीज प्रेजेंट करिए यानी बचा के रखिए है इम्पावरिश लैंडस्केप्स यानी कि वो सारे लैंडस्केप्स जिनको हमने पुअर कर दिया यानी खराब कर दिया है और एक एलिंग एन्वायरमेंट यानी एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट हम छोड़ेंगे किसके लिए हमारे सक्सेसर्स के लिए तो वो इस रिपोर्ट में हम ह्यूमन से ये क्वेश्चन कर रहे थे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिस्स थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट दर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर फिशरीज फॉरेस्ट ग्रास एंड क्रॉपलैंड तो अब यहाँ पे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ये भी एक पर्सन है और इनकी एक बहुत फेमस बुक थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इसमें यह क्या बताते हैं कि हमारी अर्थ में चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्या है फैक्टर्स हैं और सिस्टम्स हैं जिनका नाम है फिशरीज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिशरीज़ हैं ये फॉरेस्ट हैं ये आपके ग्रास लैंड हैं और ये आपके क्रॉप लैंड हैं तो ये जो चार फैक्टर्स हैं जो चार सिस्टम्स हैं ये हमारे बायो के हमारे इन्वायरमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं और क्यों हैं क्योंकि यही सब चार चीज़ें हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल सर्व करती हैं एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोमिक सिस्टम और ये चारों जितने वो हैं जिस चारों फैक्टर्स है ये पूरे हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन यानी की बेस बनाते हैं इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव सिंथेटिक्स तो ये कह रहे हैं कि ये जो चार सिस्टम्स हैं ये हमको फूड प्रोवाइड करते हैं फिश से हमको फूड मिलता है क्रॉप क्रॉपलैंड यानी ये सारे जितने भी लैंडस हैं क्रॉप्स हैं जहाँ पे खेती होती है इससे हमें अनाज मिलता है फॉरेस्ट से हमें कितनी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं तो यही सब चीज़ें हैं जो हमको क्या प्रोवाइड करती है फूड तो प्रोवाइड करती ही करती है लेकिन ये एक हर इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल के के को भी सर्व करती है एज अ रॉ मटेरियल इनको इन सब चारों फैक्टर्स से ही मिलता है और वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कौन सी दो इंडस्ट्रीज हैं मिनरल्स और एक पेट्रोलियम ड्राइव सिंथेटिक्स जहां पे आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस लगते हैं सिर्फ so इनको छोड़ के बाकी हर इंडस्ट्रीज में यही चारों कंपोनेंट्स में से रॉ मटेरियल जाता है इन लार्ज द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एज एन अनसस्टेनेबल लेवल प्रोडक्टिविटी इज बिंग इम्पेयर इम्पेर्ड यानी कि वीक होना या फिर किसी चीज का डैमेज हो जाना खराब हो जाना तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थ में कि जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग क्या क्लेम कर रहे हैं ये बता रहे हैं ह्यूमन बींगे देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो चार कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े थे फिशरीज ग्रास लैंड क्रॉप और हमारे फॉरेस्ट ये अब एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच रहे हैं यानी कि उस हमने इन चारों लेवल्स को इन चारों सिस्टम्स को इतना ओवर यूज़ कर लिया है कि ये सस्टेनेबल नहीं है यानी कि ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अब बिल्कुल भी बचने के काबिल नहीं बची हैं सोचो so, ये कब बोल दिया था 1994 में आज तो 2021 चल रहा है तो आज कितना ज़्यादा यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हालत ख़राब है अर्थ की

तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये जो चार हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये अनसस्टेनेबल हुए यानी कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे नहीं हम ही यहाँ पे इसको ओवर यूज़ करके खा पी के खत्म कर देंगे तो फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी यानी फिशरीज़ की स्पीशीज़ खत्म हो जाएंगी उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा घट जाएगा और फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएंगे क्यों डिसअपेयर होंगे क्योंकि हमने इतना डिफॉरेस्टेशन कर लिया कि अब जंगल फॉरेस्ट अब बचेंगे ही नहीं ग्रास लैंडस भी नहीं बचेंगे क्योंकि पूरे लैंड से वो ग्रास पूरी घास को पूरी क्लियर करते जा रहे हैं अपना कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑब्वियसली ग्रास लैंडस भी नहीं बचेंगी एंड दे आर कन्वर्टेड इन टू बैर एन वेस्ट लैंड तो जब ग्रास लैंडस हटेंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बैरन वेस्ट लैंड यानी कि वो जमीन जो बंजर है जो फर्टाइल नहीं है यानी जिसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए भी अब ज़रूरत की नहीं है खराब है ये किसी यूज़ की नहीं है तो ऐसे बैर इन वेस्ट लैंड बचेंगे एंड क्रॉपैंडट जो क्रॉपैंड जिस लैंड पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं वो डेटोरिएट होगी यानी बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स डिक्लाइन हो जाएगी खत्म होने की वर्ज पे आ जाएगी इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे तो ये बताए जा रहे हैं कि आज का जो तो दुनिया है 1994 की भी आज तो फ़िश को बहुत ज़्यादा कंज्यूम लोग करते ही हैं 1994 में भी ऐसा होता था कि लोग जो हैं वो प्रोटीन कॉन्शियस हो गए यानी प्रोटीन के लिए हंगरी हो गए भूखे हो गए और प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स क्या होता है फ़िश होता है तो नॉ मतलब वेजिटेरियन लोग भी नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है कि हम फिश खाएंगे तो हमेशा प्रोटीन मिले सब नहीं एटलीस्ट कुछ लोग तो कर रहे हैं एंड ऑलरेडी बहुत सारी जनता वो है ही जो प्रोटीन के लिए हंग्री है तो वो क्या कर रहे हैं ओवर फिशिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से फिशरीज बहुत कम हो रही हैं इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीन डेसीमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग डेसीमेटेड यानी टू रिड्यूस इन नंबर नंबर्स उनके घट रहे हैं और प्रोक्योर करना यानी ऑप्टेन करना यानी किसी चीज को पाना तो जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या कर रहे हैं उनके पास गैस चूल्हा तो है नहीं तो वो लोग क्या करते हैं लकड़ी जलाते हैं लकड़ी पैसे का वो चूल्हा बनाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं तो वो क्या करते हैं लकड़ी कहाँ से मिलेगी ज़ाहिर सी बात है वो लोग आसपास के जंगलों में जाते हैं पेड़ काटते हैं और वहाँ से जितना वुड मिलता है वो फायर वुड मिलता है उसको उसको जला के उसमें पॉट रख के उसमें खाना बनाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो तो जितना भी ये वुड है ये कहाँ से आ रहा है ये सारा वुड ये सारा वुड आ रहा है हमारे फॉरेस्ट से ही उन्होंने जंगल काटे तब जाके उनको ये फायरवुड मिला है। ये लाइन बहुत है पे कि अब बता रहे हैं कि अब तो हालत इतनी खराब हो गई है जो फायरवुड है ये अब फायरवुड इतना महंगा हो गया कुछ कुछ जगहों पे कि अब व्हाट इन इनसाइड द पॉट इज लेस एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव दैट वॉट अंडर इट पॉट है इसके अंदर खाना बन रहा है वो कह रहे हैं कि ये जो फायरवुड लगा हुआ है यहाँ पे जो लकड़ी के यहाँ पे लॉग्स रखे हुए हैं जिसको जला के खाना बनाया जा रहा है ये अब इतना एक्सपेंसिव हो गया कि अब जो इसके अंदर खाना पक रहा है वो इतना महंगा नहीं है जितना फायरवुड महंगा हो गया है तो खाने से ज्यादा कीमत लकड़ी की हो गई है तो खाना पकाना आप सोचिए कितना महंगा पड़ता होगा तो लोगों ने बहुत सारे फॉरेस्ट काटे हैं ये लकड़ियों के लिए इन फायरवुड के लिए

कि ये जो हमारे जंगल हैं ये जो हमारे कंट्री के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये क्या है ये पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है क्यों उसको एवोल्यूशन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज इवॉल्व हो रही है बहुत सारे जीव जंतुओं का यहाँ पे घर है वो इन्हीं जंगलों में रहते हैं सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और अगर हम इन फॉरेस्ट को इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं यानी कि इनके पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो बहुत सारी स्पीशीज डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी फेस कर रही करिए क्योंकि उनका घर उजड़ जा रहा है फिर वो कहां रहेंगे क्योंकि आप फॉरेस्ट कट कर रहे हो तो स्पीशीज कहाँ रहेंगी ये तो उन्हीं का घर है इट हैज बीन वेल सेट दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड फॉलो नाउ ये बहुत एक मीनिंगफुल पिक्चर है कि बीच में कौन है बीच में ह्यूमन्स हैं तो ह्यूमन्स को अपने पूर्वजों से क्या मिला फॉरेस्ट मिले घने जंगल हरियाली खूबसूरत दुनिया उनको विरासत में मिली उनको एज अ लेगेसी मिली इंसान को और उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया बैरन लैंड्स और डेजर्ट्स में यानी इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया इतने पेड़ पौधे काट लिए और सब कुछ खुद यूज़ करके बैठ गए कि जो इतनी अच्छी चीज़ उनको पूर्वजों से मिली थी वो कन्वर्ट करके क्या दी उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन को डेजर्ट्स खाली रेगिस्तान बैरन लैंड्स जो अब उनके किसी यूज़ के नहीं हैं The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of forty to fifty million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil for an important natural fertilizer. So, कि ये जो पैट्रिमनी है पैट्रिमनी यानी कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम दी फादर और एंडसेस्टर्स जो भी प्रॉपर्टी आपको अपने बाप से अपने दादा से अपने फादर्स अपने पूर्वजों से मिलती है उसे हम पैट्रिमनी कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये पैट्रमिनी यानी हमें हमारे पूर्वजों से मिली गई है और अब वो इरोड हो रही है बहुत तेज़ रेट पे इरोड हो रही है यानी खराब हो रही है उसका जो फर्टाइल ऊपर का जो लेयर ऑफ सॉइल है वो अब जा रहा है क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं वो 40 टू 50 मिलियन एकर ज लैंड पर ईयर जा रहे हैं। एक साल में 40 से 50 एकड़ लैंड खराब हो जा रहा है यानी कि इरोड हो जा रहा है एंड ग्रोइंग यूज ऑफ डंग अब डंग क्या है गोबर के कंडे जिन्हें हम कहते हैं या फिर एनिमल्स का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम डंग कहते हैं तो लोग इस डंग को इन गोबर के कंडों को क्या कर रहे हैं इनको जला रहे हैं और इनके ऊपर कुछ खाना बनाते हैं इसको एज अ फायर वुड इसको एज अ मतलब आ, आ, फायर यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर रख के खाना बना रहे हैं किसको डंक को एनिमल डंक को तो वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आप नेचुरल और ये डंग क्या है नेचुरल फर्टिलाइजर है हमारे लिए हम इसको सॉइल में डालते हैं और सॉइल को क्या करते हैं फर्टाइल बनाते हैं यानी कि अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो ये है यानी कि जो डंग है इसको भी ओवर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है और एक हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है जो कि है एनिमल डंग द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर टू थाउजेंड अब फाइव फोल्ड का मतलब क्या है फाइव टाइम्स पाँच गुना ज़्यादा को बोलते हैं फाइव टाइम्स और कोप मतलब इस चीज़ से डील करने के लिए या इस चीज़ से सर्वाइव करने के लिए तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने एस्टिमेट लगाया है यानी अनुमान लगाया था कब लगाया था नाइनटीन नाइन्टी फोर में और बोला था कि हमें हमारा ट्रीज और प्लांट्स आ, को प्लांट करने के लिए यानी और पेड़ पौधे लगाने के लिए फाइव टाइम्स हमें इंक्रीज करना पड़ेगा हमारा रेट क्यों क्या कि हमें जो 2000 में ईयर 2000 में जो हमारी नीड्स होगी फ्यूल वुड की यानी कि हमें फ्यूल वुड चाहिए लकड़ी के लिए जो हमें नीड्स होगी उसको कोप करने के लिए उसे सर्वाइव करने के लिए एट प्रेजेंट यानी 1994 में हमें क्या करना पड़ेगा पांच गुना ज्यादा पेड़ पौधे लगाना इंक्रीज करना पड़ेगा जेम्स पैथ ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मिस्टर जेम्स पेथ की है ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की कौन है प्रेसिडेंट द फॉरेस्ट एट एन एकर अंड बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर अ हाफ टू बताते हैं कि आपने हम सब ने कहा था कि हम लोग हर सेकेंड वन एकर लैंड वेस्ट कर रहे हैं यानी कि हम खो रहे हैं फॉरेस्ट कट रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा एकर एंड ए हाफ वन एंड ए हाफ एकर हर सेकंड जा रहा है यानी कि और ज्यादा इतना एकड़ ऑफ लैंड जो है वो जा रहा है यानी कि कट रहा है ओके okay? यानी हम इतना इतना एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जो है हम हर सेकेंड लूज कर रहे हैं एवरी सेकेंड एक एक सेकेंड में आप सोचिए कितना ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी तब अभी भी तो अभी तो और वर्स्ट की भी वर्स्ट हो गई है आर्टिकल फोर्टी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दिनमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ़ द कंट्री तो एंडेवर का मतलब क्या होता है एंडेवर मतलब ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करो किसी चीज़ को पाने के लिए तो so, वो ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल फोर्टी एट ए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें ये आर्टिकल बोलता है कि ये द स्टेट शैल एंडवर टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द इन्वायरमेंट कि हमारा जो स्टेट है यानी हमारी जो कंट्री है उसको बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारे फॉरेस्ट को सेफ करने की और बचा के रखने की और साथ ही हमारे फॉरेस्ट को बचाना है हमारी वाइल्ड लाइफ को और हमारी कंट्री की हर एक नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी जो लॉ बुक है उस तक में ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं बट वॉट कॉजेज एंड लेस एंग्विश इज़ अ फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्ज इन इंडिया एंग्विश यानी कि पेन दुख तो ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तक में भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है हमारे एन्वायरमेंट के बारे में पर जो एंग्विश जो लगती है जो पेन जो होता है वो ये देख के होता है कि इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है और इस चीज़ को अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसके अगेंस्ट कोई कोई स्ट्रिक्ट कदम भी हमारी गवर्नमेंट नहीं उठा रही फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिस्ड बट दे फ्लरिशेम शेमलेसली इवन आफ्टर दर्टी फोर ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एबॉलिश यानी किसी किसी चीज़ को एंड कर देना किसी चीज़ पर रोक लगाना और कास्टिज्म यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट यानी कि अलग अलग जातियों पे अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे जब आप लोगों में डिस्क्रिमिनेट करते हो भेदभाव करते हो, तो उसे कास्टिज्म कहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि कास्ट के बेसिस पे या अनटचबिलिटी छुआ छूत के बेसिस पे या लेबर बॉन्डेड लेबर यानी किसी को ज़बरदस्ती लेबर कराना यानी काम कराने पे भी हमारे यहाँ सज़ा है हमारे यहाँ रूल्स दिए गए हैं लेकिन शेमलेसली फिर भी ये चीजें बिल्कुल फॉलो की जा रही हैं और इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा तो एग्जैक्टली सेम चीज वो इससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं उसके साथ भी यही चीज हो रही है रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्रोफिक डिप्लूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट फोर डेकेड्स अब डिप्लीशन क्या होता है अ हार्मफुल रिडक्शन इन अ नंबर ऑफ समथिंग जब कोई चीज बहुत तेजी में और बहुत जल्दी में अपने नंबर में कम हो रही है यानी घट रही है तो यहाँ पे कैटेस्ट्रोफिक डिप्लीशन किसके बारे में बात करी गई है हमारे फॉरेस्ट के बारे में यानी कि हमारे पूरे जितने पेड़ पौधे हमारे जंगलों के बारे में बात करी गई है तो वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी ने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट बनाई है यानी कि 1994 में रिसेंटली उस समय एक रिपोर्ट बनाई थी और क्या हाईलाइट की थी उसमें रिपोर्ट में बात ये बात हाईलाइट करी थी कि एक कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन हो रहा है हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में ओवर लास्ट फोर डेकेड्स यानी यानी चालीस सालों से बहुत तेजी में हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कट रहे हैं और उनके नंबर्स घट रहे हैं इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर और इंडिया के बारे में उस रिपोर्ट में ये बात बोली गई थी कि इंडिया 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ जो लैंड है वो लूज कर रहा है हर साल हर साल इतना एकर ऑफ लैंड वो लूज कर रहा है लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस तो गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े एरियाज हैं जिनको फॉरेस्ट घोषित किया था कि ये फॉरेस्ट है इसमें और कोई काम नहीं होगा वो अब वर्चुअली ट्रीलेस हो रहे हैं यानी कि वर्चुअली ट्रीलेस का मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ छोटा सा हिस्सा आप एक बड़े से फॉरेस्ट में से दे दिया किसी को कि हाँ इस पर आप कुछ अपना काम कर लो इस इसपे आप अपनी आ, बिल्डिंग खड़ी कर लो यहाँ पे आप अपना आ, इंडस्ट्री बना लो कुछ भी तो वो वर्चुअली ट्रीलेस यानी धीरे धीरे वो फॉरेस्ट वाले जो लैंडस हैं वो भी अब क्या हो रहे हैं ट्रीलेस हो रहे हैं यानी कि वहाँ ट्रीज खत्म हो रहे हैं द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट एट टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स तो गवर्नमेंट ने जो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े दिए थे गवर्नमेंट ने बल्कि उतना तो फॉरेस्ट लूज नहीं हो रहा उससे ज़्यादा, उससे आठ गुना ज़्यादा फॉरेस्ट लूज हो रहा तो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से भी नहीं हो रहा उससे भी आठ गुना ज्यादा फॉरेस्ट हम लूज कर रहे हैं थ्री यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है बहुत सीरियस कंडीशन तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने तीन साल की लगातार स्टडी करी थी और अर्थ की सैटेलाइट से कुछ पिक्चर्स ली थी सैटेलाइट व्यू पिक्चर्स ली थी और उन्होंने ये वॉन किया था उन सैटेलाइट पिक्चर्स को देख के कि अर्थ की जो कंडीशन है बहुत डेटोरिएट हो रही है यानी कि बहुत गिर रही है बहुत खराब हो रही है और कौन सी अर्थ की कंडीशन जिसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है और बहुत सीरियस हो गई है पिछले एटी एटी कंट्रीज़ में तो पूरी एरियल व्यू लिया था और पूरा सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई थी सैटेलाइट के थ्रू और 88 कंट्रीज का सामने आया था कि इन 88 कंट्रीज में कंडीशन बहुत क्रिटिकल है यानी बहुत सीरियस है हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और इनको ध्यान दे इनकी कंडीशन जल्द से जल्द सुधारनी है देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अब डिस्टॉर्टिंग का मतलब क्या है डिस्टॉटिंग का मीनिंग है डिफॉर्म करना या किसी को डिसफिगर करना अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर uh, के बारे में मिस्टर नानी पालकी वाला अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत मेजर चीज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर खराब हो रहा है यानी डिस्टॉर्ट हो रहा है यानी कि बर्बाद हो रहा है वो ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग फैक्टर है जिसकी वजह से रिसोर्सिस की खपत बढ़ रही है जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रिसोर्सिस की कंजम्पन और उतनी ज्यादा पावर्टी भी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी आइए पढ़ते हैं इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन ध्यान से सुनना सब लोग ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है कुछ कि यहां पे ये बोल रहे हैं कि मैनकाइंड यानी इंसानियत को वन बिलियन पे पहुंचने के लिए बहुत सारे मिलियन इयर्स लग गए बहुत सारे मिलियन इयर्स लग गए कितना पहुंचने के लिए बिलियन उसके बाद बाय दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 तो ये जो वन बिलियन पॉपुलेशन थी ये 18 1800 में थी ईयर 1800 में वन बिलियन लोग थे और ये वन बिलियन पहुंचने के लिए भी बहुत सारे मिलियन इयर्स लगे थे इंसानियत को यानी मैनकाइंड को बाय द ईयर नाइनटीन हंड्रेड अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड अब सौ साल बीत गए नाइनटीन हंड्रेड ईयर आ गए और अब कितने हो गए से टू बिलियन लोग हो गए तो सौ साल लगे उनको एक और बिलियन ऐड होने में उसके बाद एंड द ट्वेंटी एथ सेंचुरीवन बिलियन और जब ट्वेंटी एथ सेंचुरी आई तो वो कितने पहुंच गए थ्री पॉइंट सेवन बिलियन तो आप सोचिए टोटल कितने हो, हो गए अब 5.7 पॉइंट सेवन बिलियन पॉपुलेशन हो गई इतनी पॉपुलेशन हो गई थी ट्वेंटी सेंचुरी तक यानी कि आप देखिए कि बहुत सारे साल एक बिलियन पहुंचने में लगे फिर सौ साल लगे दो बिलियन होने पे, और फिर ट्वेंटी सेंचुरी में 1900 के बाद ट्वेंटी सेंचुरी जब आई तो डायरेक्ट 3.7 मिलियन ऐड हो गए, यानी टोटल उस टाइम पे 5.7 मिलियन बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी तो आप सोचिए कि कितनी रैपिडली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कितना जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का आंकड़ा जो है बढ़ता गया है

आते हैं यानी कि वन मिलियन लोग पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में हर चार दिन में तो आप इमेजिन करिए कि, कि किस फास्ट रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड की फोर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स तो फर्टिलिटी फॉल्स यानी यहाँ पे बात हो रही है बच्चा पैदा करने की बात यानी कि जितनी फर्टिलिटी लूज हो रही है यानी फर्टिलिटी कम हो रही है यानी लोग उतने कम बच्चे पैदा करेंगे जैसे जैसे उनकी इनकम राइज़ हो रही है यानी उनके जैसे जैसे पैसा आ रहा है एजुकेशन स्प्रेड यानी जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ रही है और वो एजुकेटेड हो रहे हैं एंड हेल्थ इंप्रूव और जैसे जैसे उनकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो रही हैं उनका फर्टिलिटी कम हो रहा है यानी कि लोग ध्यान दे रहे हैं अपने इनकम पे, पे अपनी एजुकेशन पर अपनी हेल्थ पे वो इतनी ज़्यादा फैमिली प्लानिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव और उनका कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट एक सोसाइटी का वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है बट डेवलपमेंट इट्स मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज द नंबर कंटिन्यूस लेकिन डेवलपमेंट तब तभी पॉसिबल होगा जब प्रेजेंट सिचुएशन में कि जो पॉपुलेशन नंबर है ये बढ़ना कम हो जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रहे द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर बेगेट मतलब गिव लाइफ टू यानि कि गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रेन तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो रिच है वो रिचर होते जा रहे हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर ही रहते जा रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है वो अलर्ट नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है और पॉपुलेशन इंक्रीज होना इस कंट्री का एक बहुत मेजर इशू बन चुका है उन्हें लगता है हम जितने बच्चे पैदा करेंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे घर में लेकिन जितने लोग होंगे उन्हें रिसोर्सेज भी तो चाहिए उन्हें खाना भी तो खिलाना है जब खाना खिलाने के लिए नहीं होगा तो वो कहां से जाएंगे और काम करेंगे यानी कि पावर्टी और इंक्रीज हुई यानी पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके साथ में पावर्टी बढ़ी और उसी के साथ में रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ी इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींगस टू बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरिली स्टेरिलाईज स्टेरिलाईज मतलब मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसा

अपनी मर्जी से फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कोअर्जन यानी फोर्सफुली उनको समझाना पड़ेगा उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि आपको फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी पॉपचुएशन यानी कीप गोइंग मल्टीप्लाइंग तो अब चॉइस सिर्फ पॉपुलेशन के बीच नहीं रह गई अब चॉइस ये हो गई कि या तो पॉपुलेशन बढ़ेगा और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ बढ़ती हुई कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती पावर्टी यानी गरीबी भी बढ़ेगी तो ये बहुत सही टाइम आ गया है कि अब हमको लोगों हमें लोगों को अवेयर करना है अलर्ट करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट वो प्लीज़ ध्यान दें The population of India is estimated to be 920 million today. Today यानी कि कब बात हो रही है वो 1994 की population कितनी थी? 920 million हो गई थी. More than the entire populations of Africa and South America put together. अगर Africa और South America की पूरी पूरी population को अब जोड़ दो, add कर दो, उससे भी ज़्यादा 920 million की population 1994 में India थी. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. हटमेंट्स यानी कि कलेक्शन ऑफ हर्ट्स छोटे छोटे झोपड़े 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 जो साथ में लाइन से बने रहते हैं उसे हम हटमेंट्स हटमेंट्स कहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द ये पॉपुलेशन कंट्रोल की प्रॉब्लम और इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में नहीं बढ़ाए तो लोग गरीब होते जाएंगे और अपने झोपड़ों में भूखे ही रह जाएंगे क्योंकि जितने लोग होंगे उनको खिलाना भी पड़ेगा जब खिलाने को नहीं होगा तो आप उनका डेवलपमेंट कैसे करोगे तो यहां ये बात बोली जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें अवेयर करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में अदरवाइज जो लोगों के ख्वाब हैं जो लोगों के ड्रीम्स हैं सपने हैं जो इच्छाएं हैं वो उनके छोटे झोपड़ों में ही अंदर भूख से तड़प तड़प के वो मर जाएंगे और ये सोचते ही रह जाएंगे कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कैसे करें फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसजेंडिंग कंसर्न Transcending concern is a concern that existed for a very long time and it passed down from one generation to another. तो अब ये बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का जो इशू है ये जो इन्वायरमेंट का इशू है ये एक ट्रांसजेंडिंग कंसर्न है यानी कि ये जनरेशन से पहले पता चल चुका था कि ये दिक्कतें हैं या ये दिक्कतें आने वाले टाइम में हमको फेस करनी पड़ेंगी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दूसरी से तीसरी जनरेशन पर पास होती गई लेकिन किसी में किसी ने इसको इस पर काम नहीं किया और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की सबने मिलकर द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट फॉर द प्लानट अब जो सर्वाइवल है यानी जिंदा रहना अब लोगों का लिए जरूरी नहीं बल्कि इस पूरे प्लेनेट अर्थ का जिंदा रहना बहुत जरूरी हो चुका है वी हैव टू बिगन टू द होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेन्स तो अब हमें होलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा हमारे एग्जिस्टेन्स के लिए यानी हमारे लंबे समय तक अच्छी धरती पर रहने के लिए होलिस्टिक व्यू यानी कि इस पूरी अर्थ को चारों तरफ से देखना है यानी हर एस्पेक्ट से देखना ओवरऑल समझना कि अर्थ की क्या जरूरत है अगर अर्थ की जरूरत पूरी होगी अर्थ अच्छी रहेगी तो यानी कि हम भी अच्छे रहेंगे क्योंकि हम एक बड़ी से अर्थ का छोटे छोटे हम सब पार्ट्स हैं द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आर डिमाइस इट इज आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर डिमाइस यानी कि डेथ तो वो ये बोल रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं जो हम फेस कर रहे हैं वो इससे नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा डिमाइस हो जाएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी पर ये हमारे फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है कि अगर इस वक्त अर्थ की हेल्थ और कंडीशन खराब है दैट मींस फ्यूचर में खराब रहेगी और हमारा फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा मरेंगे नहीं लेकिन हम बुरी तरीके से सर्वाइव करेंगे आज लेकिन अब देखो ये नाइनटीन में उन्होंने बोला था लेकिन आज कोविड का टाइम आ गया अब आप सोचिए कि लोग तो मर भी रहे हैं इतनी बुरी बुरी बीमारियां आ गई हैं आ गए, हैं, आ गए हैं। अब तो कोरोना के जो तो वायरस एयर में फैल चुके हैं तो आप सोचिए कि अब तो इस एनवाइल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग मर भी रहे हैं द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन ऑफ दिस्पॉन्सिबिलिटी अशर्ड का मीनिंग क्या होता है अशर्ड का मीनिंग है गाइड समवन समवेयर किसी को एक दिशा में गाइड करना और एरा यानी कि इस टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टाइम ये एरा ये समय आ गया है तो वो कह रहे हैं कि जो इमर्जिंग नया वर्ल्ड है ये जो नई दुनिया हमारे सामने आ रही है वो क्या कर रहे हैं वो हमें वो वो, वो अब उस दिशा में जा रही है कि अब वो रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं यानी कि अब उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है कि ये अर्थ को हमें बचाना है इसकी हेल्थ को एल नहीं होने देना यानी पुअर नहीं होने देना और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अच्छे से बची रहे इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सींग वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल राधा दैना डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स तो इंटीग्रेटेड यानी कि यूनाइटेड जुड़ी हुई एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड और डिसोसिएटेड यानी डिसकनेक्टेड यानी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है सेपरेट है तो वो ये कह रहे हैं कि जब अर्थ है अब इसको हम पूरा इंटीग्रेटेड वे से यूज करेंगे यानी कोई भी चीज़ हम अगर ले रहे हैं तो उसे री करें रिसाइकल करें और रिड्यूस करें यानी कि हर चीज़ को जो हम यूज़ करें उसे बार बार रीयूज़ करने की कोशिश करें जैसे प्लास्टिक है प्लास्टिक बॉटल्स अगर हम हमें हमारे पास हैं तो उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं बहुत टाइम तक हमने उसमें पानी पिया उसमें फिर बाद में हमने जब वो खराब होने लगी तो उसके ऊपर का कैप हटा के उसमें सॉयल डाल दी और उसमें एक प्लांट उगा दिया तो इस तरीके से हमने किसी चीज़ को रीयूज़ किया क्योंकि प्लास्टिक बहुत खराब है हमारी इन्वायरमेंट के लिए आप उसे फेंकोगे तो वो बहुत सालों तक क्या होगा वहीं रहेगी सॉइल में डिग्रेड नहीं होगी इट्स अ नॉन डिग्रेडेबल रिसोर्स तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अब अर्थ को होलिस्टिक व्यू यानी ओवरऑल अर्थ की नीड्स को देखना है और इंटीग्रेटेड बन के रहना है यानी मिलकर ही ना कि डिसोसिएटेड पार्ट्स में यानी अलग अलग होके नहीं रहना है सबको मिल के अर्थ के अच्छे के लिए सोचना है इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये नया एरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का यानी जो नया टाइम आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसमें इंडस्ट्री का सबसे क्रूशल यानी सबसे सीरियस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्यों है क्योंकि इंडस्ट्रीज ही हैं विच आर द मेजर कंज्यूमर ऑफ ऑल द रॉ मटीरियल्स एंड कंज्यूम ऑल द फोर बायोलॉजिकल कॉम्पोनेट्स ऑफ द अर्थ एक्सेसिवली क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ही है जो क्या कर रही है बुरी तरीके से ओवर यूज कर रही है हमारे फिशरीज को क्रॉपलैंड को ग्रास लैंड को फॉरेस्ट को और एक्सेसिवली यानी कि कंटिन्यूसली यूज कर रही है तो उन्हें ज्यादा ध्यान देना है हर चीज पे वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर अब असमैन शेड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुल्ड अब ड्यू पॉन्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके चेयरमैन कौन है मिस्टर एडगर एस वुल्ड जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि सारे बिज़नेसमैन को इनकी बिजनेस को इन्हीं की तरह सोचना चाहिए इनके जैसे ही ख्याल इनके जैसे ही ख्वाब खौ, रखने चाहिए और इनके जैसे ही व्यूज रखने चाहिए अब क्या है इनका व्यू आइए देखते हैं फाइव इर्स गो ही डिक्लेय हिमसेल्फ टू बी कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर

इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ आप मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मत बोलो मुझे इन्वायरमेंटल ऑफिसर बोलो ये वो सीई ओ थे जिन्होंने कंपनी तो, पे तो ध्यान दिया ही दिया लेकिन उसके साथ रिलेटेड अपने इन्वायरमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया तो वो ये बोलते हैं कि आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस अगर हमें कंटिन्यू एग्जिस्ट करना है लंबे समय तक इस धरती पर रहना है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर और किस तरीके से उन्हें एक लीडिंग एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे जीना है उसके लिए क्या रिक्वायर है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है रिक्वायर्स तो दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस तो so, हमारी एनवायरमेंट को लेके हमारी क्या रोल्स हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर हम उसमें एक्सेल कर जाएंगे यानी उसमें एक्सिलेंटली परफॉर्म कर देंगे तो हम लंबे समय तक इस धरती पर रहेंगे और एक लीडिंग एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर रहेंगे तो यहाँ पे मिस्टर नानी पालकी वाला कहते हैं कि इन्हीं की तरह सारे दूसरे बिजनेसमैन को भी सोचना चाहिए तब जाके मिलके एक इंडस्ट्रीज जो है काम कर पाएंगी एनवायरमेंटल द स्टेटमेंट्स मेड बाय था अब ये जो मेरे लेफ्ट है कि यूनाइटेड किंगडम्स की पहले क्या रह चुकी है प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं तो यहाँ ये बता रहे मिस्टर नानी पालकी वाला ने कि इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे स्पीचेस दिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बोले और फेलिटिश यानी फेलिटिशियज यानी वेल चोजन काफ़ी अच्छे वर्ड्स इंग्लिश के चुन के इन्होंने अपनी स्पीचेस दी हैं लोगों को और डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है क्लियर एंड डिस्टिंगटिव डेफिनेटिव तो इन्होंने बहुत क्लियर अच्छे अच्छे इंग्लिश के शब्द चूज करके कई सारे इन्होंने लेक्चर्स और स्पीचेस दिए हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर रही थी लेकिन इतनी, इतनी सारी स्पीचेस में से, से इनके सबसे बेस्ट वर्ड्स क्या थे कुछ इन्होंने जो शब्द बोले थे वो क्या थे वो ये थे नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ फ्री होल्ड यानी कि परमानेंट टेन्योर कोई भी परमानेंटली इस अर्थ पे नहीं रहने वाला ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी टेनेंसी यानी पोजेशन ऑफ द लैंड हमें हमारे पास सिर्फ किराए का एक समझो लैंड मिला है जिस पे हम इस अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले और रहने वाले कोई भी जिंदगी भर किसी का इस पर फ्री होल्ड नहीं है यानी कि कोई जिंदगी भर इस धरती पे नहीं रहने वाला अ फुल रिपेयरिंग लीज तो मिस गीत मिस था जो है मार्गरेट थाचर ये कहती हैं कि कोई भी इस धरती पे लंबे समय तक ली नहीं रहने वाला हमें एक लैंड मिला है यानी किराए का लैंड मिला है जिससे हमें रहना है और इसको रिपेयर करना है रिपेयरिंग लीज यानी इसको रिपेयर करना है अपने जाने से पहले और किसको दे के जाना है जो भी नेक्स्ट किराएदार जो भी नेक्स्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन यहाँ पे आके रहेंगी उनके भी अच्छे से रह के जाना है ऐसा नहीं कि हमने सब बर्बाद कर दिया और आने वाले लोगों के लिए सब बर्बाद बर्बाद चीज हमने रखी खराब चीज रखी तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये मार्गरेट थाचर के कुछ वर्ड्स थे इन अदर वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन और मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या वर्ड्स बोले हैं क्या शब्द कहे हैं उन्होंने कहा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम बोरोन अब फोर फादर्स कौन होते हैं यानी यानी कि कि हमारे कि हमारे पास्ट पूर्वज हमारे ग्रैंड फादर वो हमारे फोर फादर्स होते हैं तो वो ये कहते हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस धरती को हमारे फोर फादर्स uh, uh, से इनहेरिट नहीं करिए हमारे पूर्वजों से नहीं लिए ऐसा मत सोचिए कि हमने हमारे बाप दादा से इस धरती को इस लैंड को लिया है ये सोचो कि हमने अपने बच्चों के लिए यानी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बोरो किए क्योंकि जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है हमारे पापा मम्मी दे देते तो हम क्या कर लेते हैं उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि उसमें बचत कैसी करी जाए या इसको अच्छे से रखना है लेकिन अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ हमें यूज़ करनी है लेकिन हमें बाद में हमें बच्चों के लिए बचा के रखनी है तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी यूज़ करते हैं वेस्ट नहीं करते हैं तो यही चीज़ मिस्टर लेस्टर ब्राउन कह रहे हैं कि ये समझो कि जो धरती है हमने हमें फ़ोर फादर्स से नहीं मिली है विरासत में बल्कि हमें हमारे बच्चों को हमारी फ्यूचर जनरेशन को देनी है तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम इस धरती को में से जितनी इसके रिसोर्सेज हैं जितने यूजफुल चीज़ें हैं उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमें नीड होगी उस धरती को अच्छा बना के रखेंगे तो ये कहते हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर और इस चैप्टर में हमें पता चला कि क्या हमारे रोल्स हैं क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अर्थ को लेके और अब भी देर नहीं हुई है अब भी मतलब इट्स नेवर टू लेट अभी भी हम हमारी अर्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं चाहे कुछ भी चाहे कोविड चल रहा है या कुछ भी हमारी हेल्थ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है इट्स नेवर टू लेट अब भी हम अपने कई इनिशिएटिव्स कर सकते हैं ताकि हम इस धरती को बचा सकें और बच्चों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको ईजिली मिलेंगे और आगे हम इस चैप्टर की समरी भी प्रोवाइड करेंगे आपको कॉन्फ्रेंसिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे बिल्कुल यहीं पे। मैग्नेट ब्रेन के इन वीडियोज में क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मुफ्त 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 तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तब तक लिए बाय बाय एंड हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर अनिशाह कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ यहाँ पे और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा चैप्टर फाइव प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल में हमने उस चैप्टर को पूरा समझा था उसका एक्सप्लेनेशन कवर किया था और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं उसी चैप्टर की समरी एंड क्वेश्चन रेजेज एंड इशू द अर्थ तो ये जो चैप्टर है, है ये एक आर्टिकल हैी पालकी वाला ने लिखा था और जिसका टॉपिक ये था कि पूरा अर्थ और हमारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ह्यूमन बींग वो सब इस पूरे चैप्टर या इस आर्टिकल में आप कह सकते हो मैंशनड है तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें राइटर क्या इशू उठाते हैं क्या प्रॉब्लम उठाते हैं टुवर्ड्स द डेटोरियरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ जो अर्थ की जो हेल्थ है जो गिर रही है अर्थ की हेल्थ खराब हो रही है उसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है As ह्यूमन beings हैव बीन exploiting नेचुरल resources from डेकेड्स प्रेजेंटली the कंडीशन हैज़ मेड the environment क्रिटिकल क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्योंकि इंसान डेकेड्स यानी पिछले कई सालों से अर्थ की जो कंडीशन है जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं यानी इसके रिसोर्स कंटिन्यूसली ओवर यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखने तो इससे क्या हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है बहुत सीरियस हो गई है 1972 में द ग्रीन मूवमेंट हेल्प इन्वायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड सिंस देन देर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक एज द मूवमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एजुकेटिंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो ग्रीन मूवमेंट नाम के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1972 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे न्यूजीलैंड में और बता रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें क्या बता रहे थे टू रेज अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल कंडीशंस ऑफ द अर्थ ये अर्थ में जितनी भी हार्मफुल कंडीशंस है जो भी खतरनाक कंडीशंस जो कि अर्थ की हेल्थ को खराब करिए उसके बारे में इसमें मेंशन करा गया है और इस मूवमेंट ने इस ग्रीन मूवमेंट ने यानी ये गो ग्रीन मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हो कि हरियाली बढ़ाओ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस को इसमें इंकरेज किया गया है तो इसमें बता रहे हैं कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं यानी जागरूक हो गए अवेयर हो गए कि ठीक है हमें भी अब अपनी एन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है ग्रीनरी बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने यानी कि ए फॉरेस्टेशन करना है और तब से लेकर जो लोग लोगों ने स्टार्ट किया तो अब दे आर नॉट लुकिंग बैक अब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है कोई भी इस चीज को लाइटली नहीं ले रहा और बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा है इस मूवमेंट के साथ यानी इस मूवमेंट से जो भी मूवमेंट बोल रहा है करने के लिए एग्जैक्टली वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं और ये मूवमेंट सक्सेसफुली आप लोगों को एडुकेट कर रहा है कि हमें हमारे फॉरेस्ट को हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना है कंजर्व करना है यानी प्रोटेक्ट करके रखना है बचा के रखना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इन्वायरमेंट का और बहुत सारी स्पीशीज बहुत सारे एनिमल्स इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं और हमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन्हीं फॉरेस्ट से मिलते हैं और इज लाइक अ पेशेंट हुज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग एंड इट इज आर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट तो 1994 में क्या बोल रहे थे कि जो अर्थ है वो क्या बन गई है उस पेशेंट की तरह उस मरीज की तरह बन गई है जिसकी दिन पर दिन हेल्थ गिरती जा रही है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ह्यूमंस की ड्यूटी है कि हम उसकी हेल्थ को बचाएं और कंटिन्यूसली इंप्रूव करें सब मिलके। इन 1987 द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज यूज बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट अब ग्रीन मूवमेंट के बाद एक और कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पे मिस्टर नानी पालकी वाला हमें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवाइ एंड डेवलपमेंट ने ये क, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अब देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था कि हमें जितनी जरूरत है नेचुरल रिसोर्स की उतना ही यूज़ करें ना कि ओवर यूज़ करें और जो भी यूज़ कर रहे हैं वी शुड कीप इन माइंड आर फ्यूचर जनरेशन हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत हमें है एग्जैक्टली exactly उन चीज़ों की ज़रूरत हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी होगी ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज को हम खा पी के हम ही ख़त्म कर दें और सेल्फिश बन जाए और उन्हें उनके लिए कुछ भी ना छोड़े तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि हमें सस्टेन करना है यानी बचा के रखना है इन सब रिसोर्सेज को हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो उसी का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया है कि जू इन लोसाका जाम्बिया रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड इन देयर इज मिरर इट मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो बता रहे हैं कि लुसाका जम्बिया में एक जू है वहाँ पे एक केज एक पिंजरा रखा हुआ है जिसके अंदर कोई एनिमल नहीं है एक मिरर रखा हुआ है यानी कि एक आईना रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो जब लोग जाते हैं और उस केज के अंदर देखते हैं तो उन्हें कोई एनिमल नहीं बल्कि मिरर में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है तो वो जू के लोग जो जहाँ जहाँ जा जंगली जानवर रहते हैं वो लोग ये कह है रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है क्योंकि इंसान ने हमारे पूरे पर्यावरण को हमारे एनवायरमेंट को एक्सप्लॉयट किया है खराब किया है वैसा एक्सप्लोइ किया है जैसे जानवर जैसे एनिमल्स भी नहीं करते हैं। तो सोचिए आप उस वक्त कितनी बुरी कंडीशन होगी एनवायरमेंट की कि जू में इस तरीके की बातें ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे गए थे ब्रांड कमीशन रेज द क्वेश्चन ब्रांड कमीशन एक कमीशन है यानी एक एजेंसी है जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उठाती है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है तो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में क्वेश्चन लिखा था आर वी टू लीव कि क्या हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे सक्सेस के लिए यानी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्कॉच प्लान छोड़े यानी कि एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल खराब हो चुका है जिसके ऊपर से जमीन जली हुई और बैरन बंजर जमीन है वो छोड़ के जाएंगे एक एडवांसिंग डेजर्ट्स यानी खाली रेगिस्तान खाली बंजर जमीनें छोड़ेंगे या इम्पावरिश लैंडस्केप्स वो लैंडस्केप्स जो खराब हो चुके हैं वो जमीने जब किसी जो लैंड्स जो वेस्ट लैंड्स हो चुकी हैं अब किसी यूज में नहीं है और एक एलिंग एनवायरनमेंट छोड़ना है हमें एलिंग यानी वो एनवायरनमेंट जो एक बहुत पुअर हेल्थ और पुअर कंडीशन में तो उस ब्रांड uh, कमीशन नाम की इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरीके के क्वेश्चन रेज किए थे अब यहाँ पे फोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहे हैं वो देर आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम है क्या है ये पूरा सिस्टम किन चार चीजों पर खड़ा है तो चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम पे खड़ा है वो है फिशरीज ग्रास लैंड फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड फिशरीज यानी सारी मछलियां फॉरेस्ट यानि सारे जंगल पेड़ पौधे

सर्व कर रही है यानी कि जो भी रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज को चाहिए वो इन चारों कंपोनेंट्स में से उन्हें मिलता है एक्सेप्ट मिनरल्स और सिंथेटिक्स जिसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस लगते हैं इन दो इंडस्ट्रीज में इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं है यानी कि इन फोर कॉम्पोनेट्स की उनको जरूरत नहीं है विद दिस सिस्टम्स बिकमिंग अनसस्टेनेबल अब ये जो चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये अनसस्टेनेबल हो रहे हैं यानी कि ये बहुत ओवर यूज हो रहे हैं और हम इस पर्सपेक्टिव पे इस थिंकिंग पे इस व्यू को लेके बिल्कुल उसे यूज नहीं कर रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी इन चार इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी तो वो अनसस्टेनेबल तो जिस जो अनसस्टेनेबल हो रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है फिशरीज विल कोलैप फिशरीज कोलैप्स हो रही हैं क्यों क्योंकि लोग प्रोटीन हंगरी हो गए लोगों को प्रोटीन चाहिए तो जिसकी वजह से फिश का कंजम्पन लोग ज्यादा कर रहे हैं और फिश की जो नंबर है वो कम हो जाएंगे द फॉरेस्ट विल ऑल्सो स्लोली डिसअपेयर फॉरेस्ट डिसअपेयर यानी जंगल सब डिसअपेयर गायब हो जाएंगे क्योंकि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है ग्रास लैंड विल टर्न इन टू बैर एन वेस्टलैंड जितने भी ग्रास लैंड है उनको भी आप क्लियर करते जा रहे हो तो वो बैर एन वेस्टलैंड बन रहे यानी कि वो बंजर जमीन जिसमें कोई काम नहीं हो सकता जिसमें कोई खेती नहीं हो सकती कोई प्लांट नहीं हो सकता वो खराब है इट इज वेस्टलैंड

पेड़ काट के लकड़ियां लेते हैं और लकड़ियों पे वो अपना कोई पॉट रखते हैं फ्यूल वुड जलाते हैं यानी कि लकड़ी जला के खाना बनाते हैं इस ये भी एक बहुत मेजर रीजन है फॉरेस्ट कट होने का क्योंकि इतने सारे लोग लकड़ियों की मदद से खाना बना रहे हैं और इतनी सारी लकड़ियों को वेस्ट कर रहे हैं देर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द फूड इट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट तो ये क्या हो रहा है कभी अब तो फ्यूल वुड इतना महंगा हो गया यानी कि वो लकड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि पॉट में जो खाना बन रहा है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू द फ्यूल वुड इतना महंगा हो गया है तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन का इशू बहुत उठाया गया है कि पेड़ को काटना आप कम करिए और ये एक अलार्मिंग रेट है यानी कि चौकन्ना करने वाली सिचुएशन है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने की अब बिल्कुल जरूरत आ गई है वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे हमारे ऑथर जो हैं वो यहाँ पे उठा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ेगी रिसोर्सेज का कंजम्पन भी बढ़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा इशू उन्होंने बताया है इट इज ऑब्जर्व दैट वन मिलियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी फोर डेज ये सिचुएशन आ गई है one, 1994 की बता रहे हैं वो कि हर चार दिन में एक मिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की मिला के दिस इज नॉट अ गुड साइन और ये एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि जि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा लोग उतने ज्यादा रिसोर्सिस की खपत उतनी ज्यादा गरीबी भी बढ़ेगी There इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज द बेस्ट for फॉर दिस प्रॉब्लम तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो पॉइंट आ गया है कि एक अर्जेंट नीड हो गई है लोगों को ये अवेयर करने की पॉइंट आ गया है कि उनको पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको अवेयर किया जाए उनको बताया जाए उनको स्टडी कराया जाए यानी कि उनको उनके दिमाग खोला जाए इस कॉन्सेप्ट को लेकर और बोला है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों का बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव है और इसी के लिए ये कर और अगर डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि अगर जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे आपको लग रहा है कि बहुत बच्चे पैदा करेंगे तो उतने ज्यादा वर्किंग हैंड्स और कमाने वाले लोग होंगे एक गरीब फैमिली में लेकिन उन्हें खाना भी तो खिलाना पड़ेगा और अगर आपके पास इतने पैसा ही नहीं कि आप उन्हें खाना खिला पाओ तो उनका डेवलपमेंट कहां से कर पाओगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज मस्ट टू इन ऑर्डर टू सेव आर एनवायरमेंटल इशूज वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज अ होल एंड नॉट अ डिसोसिएटेड पार्ट्स इट इज अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू तो यहाँ पे मिस्टर नानी पालकी वाला कह रहे हैं कि हमें अर्थ को एज़ अ होल देखना है एक एक अर्थ को एज अ लिविंग बींग एज अ फैमिली देखना है जिसकी टेक केयर करनी है एक डिसअसोसिएटेड यानी पार्ट्स में नहीं देखना कि हमने अर्थ के इस पार्ट को सही कर दिया या इस पर्टिकुलर फैक्टर को सही किया नहीं हमें एज अ होल एज अ होलिस्टिक व्यू देखना है यानी कि हर तरीके से हर डायरेक्शन से ओवरऑल व्यू देना है अर्थ को और हमारे सारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को According to Lester Brown, we have not inherited the earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generations. तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि हमने जो ये हमारी अर्थ है वो हमारे फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वजों से हमारे फादर हमारे ग्रैंड फादर से नहीं लिए ऐसा सोचो वो ऐसा सोचने को कह रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमने हमारे पूर्वजों से हमें ये अर्थ मिली है विरासत में मिली है तो हम इसको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ नहीं करेंगे अंधाधंध यूज़ करते जाएंगे लेकिन हम ये सोचें कि हमने ये जो लैंड है ये जो अर्थ है अपने चिल्ड्रन से बोरो किए यानी उनसे उधार लिए और हमें एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में उनके लिए बचा के रखना है क्योंकि उन्हें भी देना है यूज़ करने के लिए तब जाके हम इस अर्थ में सारे रिसोर्सेज को जितनी जरूरत होगी उतना यूज़ करेंगे और पल्यूट नहीं करेंगे यानी गंदा नहीं करेंगे तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ये वर्ड्स कहते हैं तो यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट एंड सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं और हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं हमें चैप्टर में वो लाइन निकाल के बतानी है कि वो लाइन इस सिचुएशन पर मैच कर रही है तो हमें यहाँ पे कुछ लाइन्स बतानी तो है तो चैप्टर की लाइन्स है द सपोर्ट द एलिंग प्लैनेट एलिंग प्लैनेट यानी कि एक अनहेल्दी प्लानट है हमारी दुनिया हमारा अर्थ ये कौन सी लाइन्स पढ़ के आपको पता चल रहा है चैप्टर की तो वो लाइन्स हैं फर्स्ट the earth's vital signs reveal a patient in declining health जब हम पढ़ते हैं कि अर्थ ये सिग्नल दे रही है कि वो एक, 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 एक पेशेंट एक ऐसा मरीज बन चुकी है कि जिसकी हेल्थ बिल्कुल गिरती जा रही है तो हमें पता चलता है कि हमारा planet ail हो रहा है यानी कि वो अनहेल्दी हो रहा है खराब हो रहा है बुरी सिचुएशन में है सेकंड लाइन है अभी जो लीवा सक्सेससस अ स्कॉच्ड planet आउट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इंपॉवरिश लैंडस्केप्स एंड द एलिंग एनवायरनमेंट तो जब ये लाइंस जो हैं जो ब्रांड कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में जो क्वेश्चन उठाया था इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा आ, हमारी अर्थ एलिंग लिंक प्लैनेट है यानी कि एक अनहेल्दी प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है द एनवायरमेंट हैज डेटोरिएटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड तो ये जब बताया जाता है कि 88 कंट्रीज में आ, जब यूनाइटेड नेशंस ने पूरे अर्थ का एक सैटेलाइट व्यू लिया सैटेलाइट पिक्चर्स ली थी और पता था कि 88 कंट्रीज जो हैं उस उन कंट्रीज में इनवायरमेंट की हेल्थ बहुत पुअर है और और वहां पे इन कंट्रीज में जो हेल्थ है वो बहुत क्रिटिकल हो गई यानी कि बहुत सीरियस हो गई अर्थ की तो जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ एक एलिंग प्लान है फोर्थ देर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर्स इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी तो जब लास्ट पॉइंट में हमें हमारे ऑथर बताते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इशू है हमारी अर्थ की और हमारी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बर्बाद करने वाली या खराब करने वाली तो हमें पता चलता है कि ये जो अर्थ है एक एलिंग प्लेनेट है सेकेंड क्वेश्चन वॉट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन जू एट लोसाका जॉबिया सिग्निफाई तो लुसाका जान्बिया में जो जू था जिसमें केज में लिखा था इंसानों को लिए एक केज था उसमें मिरर लगा था और लिखा था सबके लिए इंसानों के लिए कि हम इंसान वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है तो वो क्या सिग्निफाई करता है वो क्या बताने की कोशिश करता है द नोट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट ह्यूमन हैज़ डेटोरिएटेड द प्लानट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि हम इंसानों ने बहुत लंबे समय से इस पूरी अर्थ की जो हालत है उसको डेटोरिएट करिए यानी कि घटाई है, है बर्बाद की है दैट इज इज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ और इतनी बुरी इतनी बुरी हालत कर दी अर्थ की कि आज इंसान का खुद का सर्वाइवल खुद का जिंदा रहना थ्रेट में हो गया यानी कि डर में हो गया उसका खुद जिंदा रहना मुश्किल हो गया है वो बोलते हैं ना पेड़ काटा पर अपने लिए अपने लिए किसी और के लिए गलत करो उनके लिए गड्ढा खोदो तो हम उसमें खुद जाके गिरते हैं तो एग्जैक्टली exactly वो हम इंसानों के लिए भी हो गए कि हमने हमारे अर्थ का इतना बुरा हाल कर दिया कि आज उस गड्ढे में हम खुद ही गिर गए हैं हाउ आर दी अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिंग डिप्लीटेड तो अर्थ के प्रिंसिपल यानी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं जो कि फ़िशरीज हैं क्रॉपलैंड हैं ग्रास हैं और फॉरेस्ट हैं ये जो चार हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं अब ये भी कैसे घट रहे हैं तो देर आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स फिशरीज ग्रास फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मिनरल्स एंड एंथेसिस तो ये हमें खाने के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको क्या देता है एज अ रॉ मटेरियल सर्व करता है एक्सेप्ट मिनरल्स और सिंथेटिक्स क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है सिस्टम्स हैव हैव रीच्ड एन अनसस्टेनेबल पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इंपेयर्ड तो ये जो चारों सिस्टम्स हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए यानी कि वो अब वो सस्टेन नहीं कर सकते यानी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए मुश्किल हो गए उनके लिए बचाने के लिए मुश्किल हो गई और जो उनकी प्रोडक्टिविटी वो इम्पेयर हो गई यानी कि बहुत रुक गई है, खराब हो गई है एज अ रिजल्ट फिशरीज आर कोलेप्सिंग और इसका रिजल्ट क्या है जो फिशरीज है वो कोलैप्स हो रही है क्योंकि लोग क्या हो गए लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन हंगरी हो गए फिश इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है सारे ग्रासलैंड जो हैं, वो खराब हो रहे हैं और सारे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं और ग्रास किस किसमें टर्न हो रहे हैं

इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट है इट इज़ बींग कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल टू अपटेन वुड फॉर कुकिंग और कुछ जो गरीब कंट्रीज है वहां पे स्टोव गैस है नहीं तो उस वजह से वो क्या कर रहे हैं लकड़ी जला के उस पर खाना बनाते हैं और अगेन ये लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं फॉरेस्ट से आती हैं फॉरेस्ट में उनको पेड़ काटने पड़ते हैं और तब वहाँ से उनके ट्रंक में से उनको लकड़ियाँ मिलती हैं इन सम एरियाज फायरवुड इज मोर कॉस्टली देन फूड और अब तो ये हालत हो गई थी 1994 में कि जो फायरवुड है जो लकड़ी है वो ज्यादा महंगी हो गई है किससे जो कि उसमें पॉट पे रखे हुए खाना है लकड़ी है पॉट है उसके ऊपर खाना बन रहा है तो खाना सस्ता है और लकड़ी अब महंगी हो गई है मेनी स्पीशीज आर अंडर डिस्ट्रक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और हम जो ये पेड़ काट रहे हैं जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज यानी जीव जंतुओं की एनिमल की जो प्रजाति हैं वो डिस्ट्रक्शन में हो रही हैं यानी कि बर्बादी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि हम जब पेड़ काट रहे हैं तो अल्टीमेटली हम पेड़ों के साथ जंगल जो क्लियर कर रहे हैं हम जानवरों का और स्पीशीज का घर भी तोड़ रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वो सारे जानवर और स्पीशीज वहीं रहते हैं वाइट इज द रहे हैं ये चीज बता रहे हैं दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द ह्यूमन फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये सबसे स्ट्रांग फैक्टर है डिस्टोर्ट करने वाला है ना खराब करने वाला हमारे फ्यूचर के ह्यूमन सोसाइटी को तो पॉपुलेशन उन्होंने क्यों मेजर इशू बताया है तो द ऑथर एवर्स एंड स्टेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर्स बिहाइंड द डिस्ट्रोशन ऑफ फ्यूचर ऑफ मैन काइंड बिकॉज ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं गरीब लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं कि ये ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे हमारे घर में बट ऐसा नहीं है कंट्री में सोसाइटी में जितनी जॉब्स है उतने और वो जॉब्स जो हैं वो सबके लिए तो अवेलेबल नहीं है तो ये जो जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उन्हें जॉब भी तो मिलनी चाहिए जॉब वो काम करने के लिए अवेलेबल है लेकिन जॉब्स है नहीं उनकी मीटिंग को मै, मैच करने के लिए तो वो एक अनएम्प्लॉयड स्टेज पर हैं राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशंस एंड अल्टीमेटली पावर्टी उनके खाने को नहीं है इनके पास तो क्या होता है पुअर हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से और गरीबी बढ़ रही है, है हमारी कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में इट डेटोरिएट्स द इन्वायरमेंट एंड द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है बढ़ते लोग हैं ये क्या कर रहे हैं ये फोर बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स है फिशरीज क्रॉप लैंड ग्रास लैंड फॉरेस्ट इनसे मिलने वाली सब चीज़ों को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है काम तो वो कर नहीं रहे और साथ में खाए जा रहे हैं कंज्यूम करे जा रहे हैं इन फोर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम से तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है डेटोरीट हो रहा है यानी कि और घट रहा है बर्बाद हो रहा है द रिचर आर गेटिंग रिचर अमीर अमीर होता जा रहा है एंड पुअर इज बर्थिंग मोर चिल्ड्रेन विच लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट और जो पुअर पीपल हैं वो ज्यादा से ज्यादा बर्दिंग कर रहे हैं यानी बर्थ कर रहे हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में आ रही है डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिविल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट तो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है इन लोगों का तभी जाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट तब होगा जब कम लोग होंगे कम लोग होंगे तो उन कम लोगों का डेवलपमेंट करना ईजी होगा इतने सारे लोगों का डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है राइज इन हेल्थ कंडीशन एंड इंप्रूवमेंट इन दी एजुकेशन तो कैसे होगा डेवलपमेंट उनकी हेल्थ कंडीशन जब इंप्रूव होंगी और जब उनका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तब होगा एक प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट तो फर्टिलिटी रेट रिडक्शन यानी कि बच्चे पैदा कम करना तो ये कब होगा जब हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेगी कि और लोगों को समझाएगी एक्सप्लेन करेगी अवेयर करेगी अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस पे वी हैव टू चूज बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कीपिंग अप विद द पॉवर्टी तो हमें चूज करना है इन दोनों के बीच में कि हमें क्या करना है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ाते जाना है या हमें पॉवर्टी को इन कंट्रोल करना है तो यह हमारे हाथ में सब हमारी चॉइस है हमारे हाथ में कि हम पूरी दुनिया को एक सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस बनाएं और कैसे बनाएं जब हम ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे आ वी टू लीव अ आज अच्ड ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इम्पावर लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग एनवायरमेंट तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट में क्वेश्चन था कि क्या हम अपने सक्सेस या अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक स्कॉस्ट एक खराब जला हुआ प्लानट देंगे जहाँ पर लैंड्स ख़राब है और एडवांसिंग डेजर्ट्स यानी डेजर्ट रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं लैंडस्केप्स ख़राब है और एलिंग एनवायरनमेंट यानी जो पूरा एनवायरनमेंट है इस प्लानट का वो एलिंग यानी बहुत पुअर हेल्थ में तो हमें इन लाइंस को डिस्कस करना है

आर अर्थ इज लाइक अ पेशेंट विद डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड इट इज नॉट अ गुड साइन हमारी अर्थ एक पेशेंट एक मरीज की तरह बन गई है जिसकी दिन पर दिन हेल्थ गिरती जा रही है और ये एक अच्छा साइन नहीं है डिफॉरस्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर समी रीजन बिहाइंडेशन ऑफ द अर्थ तो डिफॉरिस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन यानी पेड़ ज्यादा से ज्यादा कटना और पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ना दो इंपॉर्टेंट और मेजर कंसर्न हो गए हैं हमारी अर्थ की हालत को डिटोरिएट करने में यानि घटाने में वी मस्ट रियलाइज़ज़ द एरा ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वो टाइम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया है याकि अब हम अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले लें कि हम एक जिम्मेदार सिटीजन्स बने बिफोर इट्स टू लेट यानि कि देर होने से पहले हम अपनी गलतियों को समझ लें और कंटिन्यूसली अपनी अर्थ को अच्छा करने की कोशिश करें

पेरेंट्स से ली नहीं है यानी कि हमने अपने अपने फ्यूचर जनरेशन अपने बच्चों के लिए बच्चों से बोरो की है इसका मतलब यह है कि जब हम अपने फ्यूचर फोर फादर्स से अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादाजी अपने पापा से ये सब चीज़ें लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते ध्यान से यूज़ नहीं करते लेकिन हमारा अगर थाट ये रहेगा कि हमने बच्चों से से बोरो किया है और अब हमें इसे उसी कंडीशन में वापस करना है उन्हें ताकि उन वो अपने समय पे यूज़ कर पाएँ और अब चीज़ों का सुख ले पाएं इसीलिए ये कंडीशन आप रखो अपने माइंड में ये थॉट रखो तो ये कहते हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रेन अब ये जो है ये लाइन बोली गई हैं और ये बोला गया कि जो अर्थ है हमने इनहेरिट नहीं करी अपने फोर फादर्स से यानी कि अपने पूर्वजों से जब बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने चिल्ड्रन से बोरो की और हमें एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशन में इन्हें देना है तो इसको डिस्कस करते हैं लाइंस को फ्रॉम मेनी कई सालों से जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ के रिसोर्सेज एक अलार्मिंग रेट पे यूज कर रहे हैं अलार्मिंग रेट यानी कर देने वाली रेट पे कि अब बहुत लिमिट हो गई अब इसको हमें कम करना पड़ेगा जितनी जरूरत है बस उतना ही यूज करना पड़ेगा विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन और उन्हें फ्यूचर जनरेशन की कोई चिंता नहीं कंटिन्यूसली ओवर यूज करे जा रहे हैं सारे रिसोर्सेज को नाउ द इनवायरमेंट हैज़ बिकम क्रिटिकल इनऑफ दैट ह्यूमस मस्ट रियलाइज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन्वायरमेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है यानी कि बहुत सीरियस हो गई है और अब वो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है यानी कि वो टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है जब हमें अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अब हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए हमारे एनवायरमेंट के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो उसके लिए अच्छी है विथ क्वाइट सम टाइम ह्यूमन परसेप्शन इज चेंजिंग एंड द अर्थ इज सीन एज अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू अब काफ़ी समय से जो ह्यूमंस हैं उनका परसेप्शन यानी उनकी सोच बदल रही है पहले हम लोग अर्थ को एक क्या समझ के चलते थे एक मेकेस्टिक व्यू एक मशीन के तौर पर चलते थे सिर्फ उसको कंटिन्यूसली ओवर यूज़ करते थे उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं करते थे बट अब जो हमारा ये थाट है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ शिफ्ट हुआ है हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू होलिस्टिक यानी अर्थ को पूरा ओवरऑल देखना हर डायरेक्शन से हर एस्पेक्ट को देखना और कंटिन्यूसली उस उसकी नीड को समझना अगर उसमें कोई नीड है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और इकोलॉजिकल व्यू यानी कि उसके इकोलॉजिकल सारे कॉन्सेप्ट सारे जो इकोलॉजी के उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना अर्थ इस सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक एंड वाइटल नीड्स और अर्थ को हम एक ह्यूमन बींग की तरह लें जिसकी अपने मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ वाइटल प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस सीड्स का सो हो के ग्रो के बड़े प्लांट बन जाना ये भी एक प्रोसेस है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं तो इन प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हर वो चीज़ अर्थ को प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिपेयर करनी पड़ेगी जिसकी उसे ज़रूरत है मस्ट प्रोटेक्ट दि रिसोर्सेज ऑफ फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें, हमें सारे रिसोर्स प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन दर्थ रिसोर्स बी यूटीलाइज इन अट ड फ्यूचर तो यहाँ यह बोला जा रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम हमारी खुद की नीड्स पूरी करने में इतना ना सेल्फिश ना हो जाए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ रही है ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा हमारे सारे रिसोर्सेज को तो इस तरीके से ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट ना करें सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे एज ह्यूमन बींग हमारे क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट के और कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हमेशा चलना है और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें एक हेल्दी एक हेल्दी एक, प्लानट एक छोड़ना है ना कि एक, एक एलिंग प्लानट और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अगली हम बहुत सारी वीडियोज़ में आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जिसमें पो एक्सप्लेनेशन है पोम्स हैं उनके समरीज हैं सब कवर करेंगे क्योंकि मैग्नेट ब्रेन आपके घर क्या लेकर आ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन ला रहा है बिल्कुल मुफ्त 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 तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लेना बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर